ये एक तो मैं मेरे सभी मेहमानों से बड़ी विनती है और विनम्रता के साथ कि जो पार्टी का नाम है आप वही नाम लें। दर्शकों को समझ में नहीं आता है, जब चुनावी रैली में जाएं तो आपको जो नाम से पुकारना है आप पुकारिए ना, आप आजाद हैं, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम आप इसका मंच का सम्मान करें। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। नहीं नहीं नहीं, जो भ्रष्टाचारियों का, अच्छा आप बताना चाहते हैं जितने भ्रष्टाचारी देश में थे जिनको चिल्लाते थे, आज वो मोदी जी के साथ नहीं है। चलिए अभी इस सवाल ले लेंगे, माना जो सवाल आएंगे ना आपके पास। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को भारतीय जनता भारतीय जुमला पार्टी में, ठीक है चलिए जय भारतीय नाम हटा दीजिए। अरे सुन तो लीजिए प्रभु, सुन लीजिए जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। ऐसा है कि ये बंगाल से आ रहे हैं ना, जहाँ इनको पता है कि जमीन खिसक गई है इसलिए बौखलाहट दिखा रहे हैं। जमीन वहां से खिसक चुकी है, जनता इनको दौड़ा दौड़ा के पीटेगी, इसलिए कि जिस तरह से लूटा है ना उसको उनको लौटाना पड़ेगा, जनता का पैसा लूटा है लौटाना पड़ेगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचारियों को हवालात के पीछे भेजा है, भेजेंगे हम लोग, और इसलिए कि करप्शन आप लोग बेतहाशा करप्शन कर रहे हैं। नोटों की गड्डियां इतनी मिलते, अरे नोटों के से बीच मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, नहीं तो फिर मैं भी बोलने नहीं दूंगा आपको, बोलने नहीं दूंगा आपको बीच में। अभी अभी आप बीच में मत बोलिए, तो हम भी नहीं बोलने देंगे। सुन लीजिए आनंद, अभी आप बोल लीजिए, दोबारा नहीं बोल पाइएगा, एक मिनट भी नहीं बोलने दूंगा आपको। नहीं नहीं, हम भी बोल, चुप से आपकी बात सुना, चुप से आपको बंद करके सुनो आप। जफर इस्लाम साहब, ये मेरा काम है, मानव जायसवाल, अगर एक एक कर हम बोलेंगे तो दर्शक सुन पाएंगे और आप लोग हमसे स्काइप से जुड़े, आवाज कट गई है, मुझे आएंगे मानव जी आपके पास। जफर इस्लाम साहब को अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर बहुत समय है मुझे जी। मैं तो बहुत चंद अल्फाजों में अपनी बात कह रहा हूँ, बहुत छोटे से इसमें, कि देखिए जो लोग प्रदेश का माल लूटा है, हमारी सरकार जनता चाहती है, जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार आएगी, और बंगाल में भी अगली बार इलेक्शन होगा तो वहाँ सरकार आएगी, और वहाँ से इस बार इलेक्शन में आप देखिए 30 सीट से ज़्यादा मिलेगी, और ये जितने जो लूटे हुए लोग हैं, लूटे हैं, जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, ये हम इंश्योर करेंगे कि जनता का माल लूट नहीं, लूट कर तुम आराम से नहीं रह सकते। दूसरा बात, आप देखिए गड्डियों का ढेर कहाँ मिलता है, ये जो जो ममता करप्ट ममता के जितने मंत्री हैं उनके घर पे मिलता है, दबा दबा के खुद चप्पल पहन के घूमती है, दिखाती है कि मामूली सारी पहन के घूमती है, मामूली सारी पहन के घूमती है, लेकिन लेकिन जरा अरे सुनो, आपत्ति है तुम्हारा, जाकर बंगला देखो, चप्पल पहन के जिस बंगला में घूमती है उसमें अभिषेक बनर्जी का बंगला देखा है, कहां से पैसा आया, ऊपर से आया पैसा, आपने देखा है जनता का पैसा लूट के, और यहाँ पर बातों कर रहे, जनता का पैसा लूट के यहाँ पर, अरे जनता कर तुमको अभिषेक बनर्जी और पूरा परिवार गुंडागर्दी, जितना गुंडागर्दी है ना वो सब गुंडागर्दी जब खत्म हो जाएगा, गुंडागर्दी कर रहे हो ना, या चैनल पे बैठ के कर रहे हो, वहाँ भी गुंडागर्दी करते हो, सारा गुंडागर्दी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एक बात मान लो, तुम लोगों को वह जनता के प्रति कुछ नहीं, जनता के प्रति कुछ नहीं, खाली परिवार के प्रति है, खाली परिवार बात है, और बीच में जब शांति से बोल रहे हैं, सभ्यता से चलिए, अरे आतंकवाद होगा तुम्हारा बाप, समझे, अरे अरे जफर इस्लाम, आप आतंकवाद होगा, दोनों पढ़े लिखे मैं घनश्याम तिवारी जी का रुख कर लेती हूँ, आप दोनों पानी पी लीजिए, आप दोनों पानी पी लीजिए, क्योंकि आप लोग तो पिताजी तक पहुँच गए, पानी पी लीजिए आप लोग। मैं घनश्याम तिवारी आपका आपका रुख करूंगी। घनश्याम तिवारी, जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरामबाग में की, चाहे वो केंद्रीय योजनाओं का लाभ गरीबों तक ना पहुंचने देना, या फिर संदेश खाली का जिक्र करना, भ्रष्टाचार का जिक्र करना, क्या लग रहा है कि बीजेपी ने अब ममता सरकार को सीधे सीधे ललकारा है, और यही वजह है कि ग्राफ जो है बीजेपी का लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। नमस्कार शोभना जी, आपको, को-पैनलिस्ट को, दर्शकों को, मैंने तो नहीं देखा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं दीदी ओ दीदी, जैसे उन्होंने रैली दर रैली पिछली बार कहा था, और जब बंगाल की महिलाओं ने इस बेइज्जती को अपने वोट की ताकत से दिखाया था, मुझे नहीं सुनाई दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से बेटी बचाओ मॉडल गुजरात में रेपिस्ट बचाओ मॉडल बन जाता है, या IIT BHU में रेपिस्ट बचाओ मॉडल बन जाता है, या कानपुर में जाकर के रेपिस्ट बचाओ मॉडल बन जाता है, जहां पर दो नाबालिग लड़कियों ने दर्दनाक रूप से अपनी जान दे दी।
और सरकार सोई रही, वहां तो उत्तर प्रदेश में जाके नहीं कह रहे हैं मोदी जी कि बाबा ओ बाबा उठो। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि देश में लगभग 4.5 लाख हर साल महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। उत्तर प्रदेश में जाके नहीं कहते बाबा ओ बाबा उठो, पेपर लीक हो रहा है, ब्रजभूषण सिंह प्रचार कर रहा है, नहीं कहते। जहां तक बंगाल की बात है, हो सकता है प्रधानमंत्री ने बताया हो कि आप भी तो दोहरा रवैया अपना रहे हैं ना। आप जो आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं, आप तो खुद ही उसी ताल में खड़े हैं। आप भी संदेश खाली का जिक्र नहीं करते। जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आप भी जानते हैं कि तब भी लॉ एंड ऑर्डर की कितनी सिचुएशन खराब थी, किस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध था, तो उसका भी तो जिक्र कीजिए ना। फिर आज हम प्रधानमंत्री के भाषण की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रधानमंत्री झारखंड में एक एक अनुसूचित जनजाति से आने वाले जमीन से जुड़े हुए नेता को जेल में डाल करके एक नई सरकार बनवाता है, नया मुख्यमंत्री बनवाता है, जिसकी पार्टी 11,000 का इनाम एक अनुसूचित जनजाति के बेटे के ऊपर रखती है जो मुख्यमंत्री है, जो झारखंड से बंगाल तो जा सकता है लेकिन बंगाल से मणिपुर नहीं जा सकता, जहां पर कमांडो हथियार डाल रहे हैं क्योंकि वहां पे एक एएसपी अगवा हो गया, जहां पर इतने सालों से विध्वंस वाला एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जिसके ऊपर मीडिया ने कहा है कि उनके आतंकवादियों से साठगांठ है, तो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व खोखला है, बंगाल की जनता जानती है। जो नहीं जानती है, बंगाल में सभी लोग अखबार पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से मनरेगा का पैसा रोका गया, वो देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल किस तरीके से राशन का पैसा रोक दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। हिम्मत है अगर प्रधानमंत्री में, तो एक बार फिर जिस तरीके से उन्होंने बंगाल के चुनाव में दीदी ओ दीदी ललकारा था, जिस तरीके से उनकी सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया है, जिस तरीके से रेपिस्ट बचाओ मॉडल, चाहे वो हरियाणा में दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, गुजरात में दिखाई देता है, उसका वर्णन करें। जहां तक इससे पहले किसी सरकार से के समय में अगर कोई भी अपराध हुआ है, उस सरकार को जनता ने सजा दी है, लेकिन जितना अपराध ये रेपिस्ट बचाओ मॉडल, जहां पे पूरी सरकार बार बार कानून का उल्लंघन करके रेपिस्ट को पैरोल देती है, रेपिस्ट को बचाती है, उनको माफ कर देती है, ये दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जफर इस्लाम साहब, कई सारे आरोप आपके ऊपर लगा दिए, कई सारे केसेस भी आपके खिलाफ गिनवा दिए, चाहे वो महिला पहलवानों का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मंत्री के बेटे का हो, जवाब दे दीजिए। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी प्रदेश में हो, किसी स्टेट में हो, किसी देश में हो, अपराधी का कोई जात पात नहीं होता है, उसको अपराध के तरफ से देखना चाहिए, और हम अपराधियों को अपराध के तौर से ही देखते हैं। हमारे लिए कानून ऐसा नहीं होता कि अपराधियों को संरक्षण देना है, हमारे लिए कानून ऐसा है तो कि अपराधियों को अपराधियों की तरह ट्रीट करके और उसको जो कानूनन कार्रवाई उस पर होनी चाहिए वो कानूनन कार्रवाई होती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह का गुंडा राज था, आज का गुंडा राज है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर घटनाएं नहीं होती होंगी, मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं करते, मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ रेप नहीं होता होगा। हाँ भाई, क्राइम तो होता है, क्रिमिनल्स भी होते हैं, 100% क्राइम रेट जीरो हो जाए ऐसा तो कोई प्रदेश नहीं है, चाहे कोई भी रूरल स्टेट है, लेकिन उसमें कमी आनी चाहिए। और हमने जो फैसले लिए हैं और जिस तरह से कार्रवाई की है, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया है और बिल्कुल साफ मैसेज दिया है कि क्रिमिनल्स के लिए कोई जगह नहीं है, एक साफ इंसान बन के रहना है। लेकिन बंगाल का मॉडल देखिए, जिस पार्टी के प्रवक्ता है हमारे भाई, उनको उनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी जी को पता है समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक थी, तो उस वक्त कितने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका पैटर्निज था, उसका सपोर्ट रहता था जितने भी माफिया को। आज कोई ऐसा है जो कह सकता है उत्तर प्रदेश में कि माफिया बाहुबली और या जो लैंड माफिया, इन किसी को भी, या सैंड माफिया, किसी को भी जो प्रदेश की सरकार का कोई भी संरक्षण है? नहीं, हम उनके साथ कड़ी कार्रवाई, हम ये नहीं कहते कि कोई घटना नहीं होगी, घटना हो सकती है, कार्रवाई होनी चाहिए, सही कार्रवाई, उचित कार्रवाई, इसलिए आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन है। मैं आऊंगी, बंगाल जो है वो संरक्षण देता है। मानव जी, आपके पास भी आऊंगी। संरक्षण, घनश्याम जी आपके पास।